हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेयर सॉल्यूशन वीडियो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आने के लिए। तो जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज चैनल पे जाएं और जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन वो दबा दें। उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ये दो तीन फेवर है जो आप लोग मेरे लिए करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको मेरे जितने भी अकाउंट्स है उसके बारे में दिखाने वाला हूं। जैसे कि ये मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसको बोलते हैं हेयर सॉल्यूशन, उसको आप फॉलो कर लें। ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है जिसको बोलते हैं हेयर सॉल्यूशन, वो उसको भी आप जाके प्लीज फॉलो कर लें। इसमें भी हम वीडियोज अपलोड करते हैं एवरीडे, कुछ ना कुछ नया वीडियो आता है, जो भी हम स्टोरीज बनाते हैं या वीडियोज बनाते हैं तो इस तरीके से हमने डाला हुआ है। ये देखिए, ये रिजल्ट दिखाया है तो काफी चेंजेस दिखाए हैं इसमें। और ये हमारा सलोन है जो इस तरीके से दिखता है। हेयर सॉल्यूशन वीडियो के नाम से हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है और यहाँ पे हम कैराटिन कर रहे हैं, तो दो लोग हैं जो कैराटिन करवा रहे हैं। और साथ में एक कैमरा सेटअप है जो हमने रिंग लाइट के ऊपर लगाया हुआ है। अगर आप लोगों को ऐसा सेटअप लगाना है तो आप लोग भी इसी तरीके से यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम आयरन कर रहे हैं अभी कैराटिन प्रोडक्ट लगाने के बाद। जस्ट देखिएगा, क्योंकि ये इंट्रो है मैंने नया बनाया है, तो आप लोगों को अगर ये इंट्रो पसंद आता है तो प्लीज बताएं। और जो भी मैं अकाउंट्स बता रहा हूं, चाहे वो टिकटॉक का हो, इंस्टाग्राम का हो, फेसबुक का हो, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है मैंने, तो आप जाके उसको लाइक फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पे हमने किया है जो कैराटिन, वो मैं आपको दिखाऊंगा। जस्ट सी इट, कितना ज्यादा शाइन आ गया इसमें। तो बैक साइड में हमारा एक जो चैनल को मिला था अवार्ड, जिसको बोलते हैं सिल्वर बटन, वो लगाया है हमने हेयर सॉल्यूशन। हमारे चैनल को मिला है यूट्यूब की तरफ से। और ये हमारे सलोन व्यू है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप बताएं। और इसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा, ये मेरा एक फेसबुक पेज है, और फेसबुक पेज के बाद हमने यहां पे आपको दिखाया है, जस्ट आप जैसे ही देखेंगे, ये है हमारा सेकंड चैनल जिसका नाम है करंज लाइफ। आप जाएं प्लीज इसको भी फॉलो कर लें। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको ये चैनल जरूर देखना चाहिए। इस पे भी हम अलग अलग वीडियोस डालते हैं। ये आप लोगों के लिए ही है, जिसमें हम व्लॉगिंग चैनल है, जिसमें अलग अलग सिटीज में जाते हैं, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, तो उसकी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो यही था, प्लीज इसमें आप फेवर दिखाएं, अपना सपोर्ट दिखाएं हमारे बाकी सब व्यूवर्स जितने भी है। थैंक यू सो मच। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आज हम मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ एडवांस लेयर। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक सेक्शन निकाल लिया फ्रंट पे, ये सेक्शन निकाल लिया है, इसको मैं क्लिप कर दूंगा। ओके, तो बाकी के जो बाल हैं यहाँ पे सेक्शनिंग निकल रहा है, बट आप ध्यान से देखिएगा मुझे क्या करना है। पहले बैक वाले हेयर्स को स्ट्रेट लेवल में काट लेना है, एकदम स्ट्रेट काट लेना है। ओके, तो ये सेक्शन आपने देख लिया अभी कैसे निकाला है मैंने, मिड ऑफ द आईब्रो दोनों साइड से। आप सिर्फ सेक्शनिंग पे ध्यान दें, जो मैंने पहला सेक्शन लिया उसके बाद मैंने सेंटर पार्टीशन कर लिया, ईयर टू ईयर वाला सेक्शन निकाला, इसको छोड़ देना है। बट फिर इसके बाद मुझे जो सेक्शन लेना है, दोनों साइड ईयर टू ईयर निकाल के छोड़ दे, इसके बाद मुझे ए सेक्शन निकालना है। तो पहले हम ईयर टू ईयर वाले पे काम करेंगे। अभी मैंने ए सेक्शन निकाल लिया है यहां पे, इसको क्लिप कर देंगे हम, इसको क्लिप कर देंगे हम इस तरीके से। ये बाल सारे आगे लेके आऊंगा, दोनों साइड के बाल हम आगे लेके आएंगे। अब ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ये हेयरकट जो है डिफरेंट है बाकी से। एडवांस लेयरिंग करने जा रहे हैं हम आज।
तो सबसे पहले हम लेंगे बॉक्स का एरिया, जो मैंने सेक्शन निकाला हुआ था, एक जो मुझे लेंथ डिसाइड करनी है वो लेंथ डिसाइड करके हम काट देंगे। ये बन गया हमारा गाइडलाइन। बैक में मैंने एक लेंथ ऑलरेडी डिसाइड की हुई है, वहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, जिसको मैंने स्ट्रेट कट भी बोलते हैं। तो बैक में मैंने स्ट्रेट कट किया हुआ है, एक साइड में रखा, सारे बालों को कॉम किया, आगे की तरफ लेके आए हम। ध्यान देना, जब भी ये बाल काटने हैं ना, एकदम ध्यान से काटने हैं। सारे बाल आगे लेके आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हम कट कर रहे हैं। आई थिंक कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। आई थिंक अदरवाइज ये हेयर कट का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ज़्यादा जूम होने की वजह से। ये पीछे वाली गाइडलाइन, आगे वाली गाइडलाइन, दोनों को मर्ज करना है आपको किस तरीके से। मैं आगे लेके आ रहा हूँ, जस्ट सी इट। ये एक्स्ट्रा वेट है, इसको निकाल दिया मैंने। आप टेक्सचराइजिंग भी कर सकते हैं, अनइवन काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेयरिंग आना स्टार्ट हो गया इसमें। ऊपर वाले बाल लिए, उनको भी उसी तरीके से मर्ज कर लेना है मुझे। ये देखिए, दोनों साइड की गाइडलाइन है, इसको इस तरीके से काट लें। इसी तरीके से काटना है इनको। इसको आपको इस तरीके से टेक्सचराइज करना है। मैंने दिखाया आपको, देखिए कैसे फिंगर को मूव किया, एक फ्लावर जैसा बन गया राउंड। उसमें मैंने 90 डिग्री पे टेक्सचराइज करना है। ओके, तो टेक्सचराइज करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, तो सारी लेयर्स ऐड हो चुकी हैं। जब जैसे ही हम इन बालों को ड्राई करेंगे, तब इनका एक्चुअल रिजल्ट दिखेगा। बिकॉज जब भी आप ध्यान रखें, कोई भी बाल काटने के बाद अगर आप ड्रायर करते हो, तभी उनका एक्चुअल रिजल्ट दिखता है। तो फाइनल रिजल्ट देखने के लिए ड्रायर आपको करना पड़ेगा। ड्रायर नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है करके। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे मत छोड़ दीजिएगा क्लाइंट को। मैंने बाल गीले किए ताकि कोई भी और पोर्शन, ये बड़ा या छोटा लग रहा है तो उसको हम देख लेंगे। ओके, ये काट दिया हमने, छोड़ देंगे। अब अदर साइड जाएंगे, अदर साइड को भी इसी तरीके से काटना है मुझे। ये सेक्शन को भी, यहां पे एक सेक्शन लिया मैंने इस तरीके से, हाफ मून, उनको बांध दिया। बाकी बालों को ले लिया, गीला कर लिया अच्छे से। गीला करने के बाद मैंने कॉम किया, सारे बालों को आगे लेके आया। कॉम करके आगे वाले छोटे बाल और पीछे वाले जो मैंने वन लेंथ किया हुआ, ये वाले छोटे बाल, इनको मर्ज करना है मुझे अच्छे से। बिल्कुल तरीके से मर्ज कर दें आप, ताकि जितने भी बड़े बाल हैं वो निकाल दें। ये वेट है, वेट निकल जाएगा सारे बालों में से। इनको छोड़ देंगे, जो लेयर्स हैं वो ऐड हो चुकी हैं बालों में। अभी ऊपर वाला पोर्शन ले लूँगा मैं क्लाइंट के बालों का, उनको भी इसी तरीके से पहले गीला कर लें, ऐड कर लें बाकी के बालों में। आगे लेके आऊंगा मैं, दोनों को मर्ज करेंगे। जस्ट सी इट, बहुत ज़्यादा इजी है, पर अगर आप एक ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो ये लेयर हो चुका है। अभी मैं बैक वाले हेयर्स भी इसमें ऐड कर सकता हूँ, अगर आपको एक पर्टिकुलर शेप देना है हेयर में। तो इस तरीके से मैंने सारे बालों को आगे ले लिया, उससे पहले इनको गीला कर लेंगे हम और देख लेंगे कि कहाँ पे बाल बड़े लग रहे हैं हमें। जो बड़े लग रहे हैं उनको काट दें। देखिए, अदरवाइज जब आप डरोगे ना काटते हुए, तो मज़ा नहीं आएगा। हेयर कट आप राइट हेयर कट कर नहीं पाओगे, तो काटते हुए डरो मत कभी भी। जो आपको लग रहा है एक्स्ट्रा हेयर्स, उनको काटते जाओ, क्योंकि तभी इसका फाइनल लुक आएगा।
मैं लेयर कट कर रहा हूँ, यहाँ पे एडवांस लेयरिंग है, इनका रिजल्ट देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये हेयरकट कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक का बटन दबा दें। जो लोग नए आ रहे हैं मेरे इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। जिनको ये हेयरकट पसंद आया कमेंट सेक्शन में लेयर कट लिख के प्लीज़ भेजें, लेयर कट लिख दें कमेंट सेक्शन में। अभी हम ड्रायर कर रहे हैं, फ्रंट के हेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सब तरफ से बालों को स्ट्रेट किया, पहले मॉइस्चर निकाला, अभी लेंथ को जो मैं कर रहा हूँ आगे की तरफ, जैसे मैंने हेयर कट किया था आगे तक आगे की तरफ लेके उसी तरीके से बालों को आगे की तरफ लेके जाऊँगा ड्रायर करने के लिए, ताकि उनका जो हम फाइनल रिजल्ट दिखाना है वो उसी तरीके से दिखाया जा सके। तो सारे बालों को आगे ले रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेक्शन बाय सेक्शन काम करते जाएंगे इनका रिजल्ट और बेटर होता जाएगा। तो मैंने ये सेक्शन लिया है वर्टिकल, थर्ड सेक्शन पीछे वाला है उसको भी लेके आऊँगा आगे, पहले ये सेक्शन हम कर लेते हैं। तो मैं रूट्स अच्छे से ड्राई कर लूँगा, रूट्स ड्राई करने के बाद मुझे बाकी के बालों को ड्राई करना है। ये समटाइम्स क्या होता है, जब भी आप ऐसे बाल ड्राई करते हो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट सीख लेते हो स्ट्रेट ड्रायर तो इसके जैसा मज़ा ही नहीं है, क्योंकि ये हर एक हेयरकट में हम अलाउ कर सकते हैं, कर सकते हैं आई मीन। तो इस बेटर कि आप ये ब्लो ड्राई ज़रूर सीखें, जिसको हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई बोलते हैं, बहुत कम लोगों को आता है और वो भी सिंगल हैंड, जैसे मैं अकेले कर रहा हूँ, किसी की हेल्प ना ले इसमें। यहाँ पे अच्छे से हमने ड्रायर कर लेना है बालों को, फिर छोड़ देंगे आगे की तरफ। जस्ट देखिए इसमें अनइवन एंड लेयरिंग ऐड हो चुका है। अभी इसमें टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं ड्रायर होने के बाद हम, और ज़्यादा अगर टेक्सचराइज करना है तो कर सकते हैं। तो रूट्स को पहले सुखा लूँगा मैं अच्छे से, रूट्स वाले बालों को अच्छे से सुखा लूँगा मैं, देन उसके बाद लेंथ के हेयर में अच्छे से ड्राई कर लेंगे हम, लेंथ वाले बालों को अच्छे से ड्राई कर लेंगे हम। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन अगर आपको हेयर कट में बड़ा लगता है तो आप बाद में भी उसे कट कर सकते हो। तो मैं सारे बालों को लेके जाऊँगा आगे की तरफ, सारे बालों को लेके जाऊँगा आगे की तरफ। फिर ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही ये हेयर कट होता है उनका रिजल्ट कितना अच्छा आ गया, जैसे ही हमने स्ट्रेट ब्लो ड्राई किया है। तो वैसा ही हम अदर साइड भी करेंगे। इस बार मैंने क्या रखा है, कैमरा फ्रंट पे रखा है। आई थिंक इस बार का जो व्यू है हेयर कट का वो डिफरेंट रहेगा सबसे, क्योंकि ये देखने में मज़ा आने वाला है, एकदम क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है, फ्रंट से हेयर कट है, आपको ऐसा नहीं है मैं किसी तरफ से हाइड कर रहा हूँ। तो आई थिंक सो आपको ये हेयर कट देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा रादर देन अदर्स, जो मेरे पुराने हेयर कट्स हैं वो मैं उसमें क्या हूँ। कुछ क्लाइंट्स एक्चुअल में बोलते हैं कि हमारा फेस छुपा के रखो, तो हमें छुपाना पड़ता है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो क्लाइंट की वजह से मुझे रखना पड़ता है ऐसा, तो आप माइंड मत करिएगा उसमें। बट इसमें मैंने क्लाइंट से परमिशन लिया है तो हम इसमें सामने रख रहे हैं, ताकि आपको जो हेयर कट है वो ईजिली और आराम से दिखाई दे। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं, जिनके पेरेंट्स, जिनके घर वाले अलाउ नहीं करते हैं वीडियो बनाने के लिए, यू नो। तो यहाँ पे अच्छे से हम कर लेंगे स्ट्रेट ड्रायर, यहाँ पे कर लेंगे हम स्ट्रेट ड्रायर। लेंथ को अच्छे से ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो मैं सारे बालों को अच्छे से ट्राई करना ज़रूरी है। अगर आपको लेंथ पे लग रहा है मॉइस्चर है तो उसको निकाल लीजिए और हल्का हल्का इन शेप दे दीजिए बालों को, इनसे क्या होगा वो अच्छी लेयर दिखनी शुरू हो जाएंगी। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ये लेयर्स और अच्छी दिखनी शुरू हो जाती है जब आप इन ड्रायर कर देते हो। तो इसीलिए सेक्शन बाय सेक्शन, पहले राउंड ब्रश से,
आप ड्रायर कर लें। और जिन लोगों को भी कुछ खरीदना है, मैंने बताया था आप अमेज़न से जाके खरीद सकते हो। मेरे ये सारे टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ, सीजर कॉम, ब्रश, ड्रायर, एवरीथिंग, पेडल ब्रश, राउंड ब्रश, तो वो मैंने वीडियो के नीचे लिंक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो। बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पे लेयर दोनों तरफ से मैंने कर दिए हैं। अभी मैं बॉक्स का एरिया ड्रायर कर लूँगा। बॉक्स का एरिया हम ड्रायर कर लेंगे अच्छे से। इसको टॉप में लेके जाना है मुझे, अच्छे से सारे बालों को सुखा लेना है। ये फाइनल लुक देगा हेयर कट का, क्योंकि ये हेयर कट में थोड़ा सा पोर्शन लंबा रख रहा हूं मैं, ताकि ये ज्यादा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे टॉप में मैंने कॉम किया, ब्रश किया, ब्रश करके इसमें अच्छे से हीट दिया ताकि सारा मॉइस्चर निकल जाए। देन उसके बाद इसको इन कर लिया मैंने। थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने देंगे और साइड में छोड़ सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड, डिपेंड करता है आपका क्लाइंट कैसे रखता है। इस तरीके से। तो कैसा लगा आपको ये हेयर कट? अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरे इस हेयर कट को पसंद करते हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट में सेक्शन में डाल दें लेयर कट। और मैं यहाँ पर अभी कर रहा हूँ चेकिंग, तो आपको टेक्सचराइजिंग कर सकते हैं इस तरीके से पकड़ के। तो जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उनको टेक्सचराइज कर ले। ओके, तो यहाँ पे छोड़ दूंगा। कितना शार्पन लुक आ गया है, कितना शार्प लुक आ गया इससे। वही चीज मुझे अदर साइड भी करना है। मैं आगे लेके जा रहा हूं, मैं अंगूठा कैसे घुमा रहा हूं आप देखिए, टेक्सचराइज करने के लिए। यहां पे एकदम शार्प लुक आ गया बालों में। तो अगर आपको ये काम पसंद आता है मेरा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए मैं इतना ही दिखाने वाला था आपको वीडियो में। ये एक लेयर कट है और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज 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 मेरी हेल्प करें। हेल्प मींस आई मीन कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस इतना ही मुझे चाहिए आपकी तरफ से। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।